जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आदित्य वाजपेयी। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल वाजपेयी राइड्स में। तो यार आज अपने सामने खड़ी है चेतक प्रीमियम मॉडल। भाई इसका मॉडल नंबर 2433 है। तो भाई चेतक की तरफ से ये टॉप मॉडल आता है, भाई इसका रिव्यू करेंगे। तो भाई सबसे पहले शोरूम की डिटेल आप लोगों को देते हैं। शोरूम सामने देख रहे हैं चेतक का बना हुआ है। बाकी शोरूम की डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पे आते हैं गाड़ी थोड़ी सी सस्ती आप लोगों को देखने मिलेगी बाकी शोरूम से। तो भाई अगर चैनल पे आप नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करते हो, गाड़ी के बारे में बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका एक्स शोरूम प्राइस बता देते हैं आप लोग। 1,46,000 रुपए के आसपास आप लोगों को एक्स शोरूम प्राइस देखने मिल जाएगा लखनऊ में। अगर वही बात करें इसके ऑन रोड प्राइस की तो 1,57,000 रुपए की आप लोगों को ऑन रोड देखने को मिल जाएगी लखनऊ में। तो भाई शुरू करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। तो भाई फ्रंट में DRL लगा है गोल और बाकी LED सेटअप के साथ ये गाड़ी आती है। गाड़ी जब ऑन होती है तो यहाँ पे DRL जल जाता है। और बाकी भाई यहाँ पे इसकी जो फिनिशिंग है ये फाइबर का बना हुआ है। और बात करते हैं इसके नीचे तो भाई पूरी तरीके से मेटल बॉडी में आती है। देख रहे हैं यहाँ पे मेटल बॉडी बना है, यहाँ पे नंबर प्लेट आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे इसका डिजाइन कुछ इतना अच्छा लग रहा है, चेतक का लोगो लगा है। भाई दोनों तरफ से LED इंडिकेटर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो भाई LED इंडिकेटर आप लोगों को इनबिल्ट देखने को मिल जाएगा। तो भाई मड गार्ड आप लोगों को फाइबर देखने को मिल जाएगा। भाई यहाँ पे सिंगल स्विम आर्म के साथ ये गाड़ी आती है। यहाँ देख सकते हैं फ्रंट में आप लोगों को ना पूरा ऐसा नहीं कि दोनों तरफ से आप लोगों को सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। अगर बात करते हैं इसके टायर की तो भाई 90x90 का 12 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इसके ब्रेक की तो भाई ब्रेक आप लोगों को फ्रंट में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। भाई डिस्क ब्रेक खाली स्पेशल मॉडल जो आता है प्रीमियम मॉडल उसमें देखने को मिलता है। भाई देख सकते हैं डिस्क ब्रेक, मतलब इसके जो टायर है इससे ऐसा लग रहा है कि टायर के बराबर ये बराबर है, मतलब थोड़ा सा बड़ा डिस्क ब्रेक कहा जाता है। भाई सस्पेंशन आप देख सकते हैं इसमें। भाई फ्रंट में आप लोग को सिंगल शॉक अब्जॉर्बर देखने को मिल जाएगा। भाई फ्रंट का जो सस्पेंशन है काफी ज्यादा अच्छा है। तो गाइस बात कर लेते हैं अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के। तो भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे 5.3 इंच का LED डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। भाई डिस्प्ले में काफ़ी कुछ है, जैसे ऐप कनेक्टिविटी, नेविगेशन, कॉल म्यूजिक कंट्रोल, सीक्वेंस ब्लिंकर, नोटिफिकेशन अलर्ट, ट्रिप डेटा, ट्रिप एनालिटिक्स। भाई बहुत कुछ इस गाड़ी में, मतलब अगर आप इस डिस्प्ले की खाली बात करें तो आप लोगों को 10 मिनट लग जाएगा खाली डिस्प्ले के बारे में समझाने में। देख रहे हैं छोटा सा भले डिस्प्ले 5.3 इंच का, लेकिन इसमें बहुत कुछ बवाल है। तो भाई इसको आप लोग देखना है तो भाई डिटेल में देख सकते हैं, बाकी मैं जितना कुछ स्पेशल बता चुका हूँ। बाकी बात कर लेते हैं इसके भाई स्विचेस के। भाई स्विचेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स देखने मिल जाएंगे। यहाँ देख रहे हैं इतने सारे स्विच हैं। अगर आप लोग राइट मुड़ना है तो राइट जला दीजिए, राइट जल गया। लेफ्ट लेना है तो लेफ्ट कर दीजिए, भाई लेफ्ट के लिए हो गया। बाकी अगर जो इंडिकेटर बंद करना है तो एक बार और दबाएंगे तो बंद हो गया। यहाँ पे पासिंग लाइट्स है, मतलब हाई बीम, लो बीम। और यहाँ पे मोड्स के लिए दिया गया है, अपर नीचे कर सकते हैं। बाकी भाई यहाँ पे जैसे रिवर्स आप लोगों को गाड़ी लेना है तो उसके लिए, मतलब काफी कुछ है भाई इस गाड़ी में। हॉर्न की आवाज आप लोग सुना देते एक बार, भाई हॉर्न भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो भाई गाड़ी में काफी कुछ स्पेशल होने वाला है। तो गाइस अगर जो आप लोगों को जैसे गाड़ी स्टार्ट करना है, ऑफ करना है, तो यहाँ पे की लेस सुविधा दी गई है। यहाँ पे देख रहे हैं इसकी, ये रही इसकी की। और भाई की लगाने की कोई भी जरूरत नहीं आप लोगों को, यहाँ पे आराम से मस्त टांग दीजिए, बाकी सारा काम यहाँ इस बटन से हो जाएगा। ये देखिए बटन दबा दिया, अभी हो जाएगी लॉक। तो भाई ये हो गई गाड़ी लॉक अपनी, आप देख सकते हैं यहाँ पर से, ये देखिए। तो गाइस यहाँ पे भी अगर इसकी बॉडी देखा जाए तो ये थोड़ी सी फाइबर है, यहाँ पे फाइबर का यूज किया गया है। बाकी इसके ब्रेक वगैरह भी जो इसकी क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है। तो भाई रियर में अगर बात करें तो यहाँ पे सिंगल स्विम आर्म के साथ ये गाड़ी आती है। तो भाई अगर पीछे टायर की बात करें, जो भाई जितना मोटा जितना पतला आगे वाला टायर है उतना ही ये भी है। 90x90 का 12 इंच का अलावा ये भी देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे इसके रियर में ब्रेक की बात करें तो यहाँ पे ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। पीछे डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं देखता है, टॉप वेरिएंट हो या फिर इसका लोवेस्ट वेरिएंट हो, किसी भी वेरिएंट में यहाँ पे आप लोगों को डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने नहीं मिलेगा। बाकी पीछे से बात कर लेते हैं, यहाँ पे इसका डिजाइन कुछ इतना प्यारा लग रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ जैसे फ्रंट में इसका डिजाइन था वैसे सेम इसके रेयर में भी, यहाँ भी चेतक का लोगो लगा। और भाई यहाँ भी जो इंडिकेटर है इन बिल्ड है, मतलब इसके अंदर ही देखने को मिलेंगे, बाहर से नहीं है। यहाँ पे LED इंडिकेटर का ऑप्शन आता है, यहाँ पे नंबर प्लेट लगा सकते हैं। पीछे का लुक काफी ज्यादा बल्कि लग रहा है। भाई सीट की बात करें तो भाई सीट काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है। भाई इसको छूने से लग रहा है हाँ भाई प्रीमियम है, इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। तो गाइस अब बात करते हैं इस गाड़ी के रेंज की, क्योंकि भाई जो जितनी भी EV होती हैं गाड़ियों उनमें सबसे जो मेन बात होती है वो होती है इसके रेंज की। तो भाई ये आप लोग 126 किलोमीटर की रेंज प्रोड्यूस करती है फुल चार्ज होने पे, मतलब 100% चार्ज कर दिए तो 126 किलोमीटर चल सकते हैं। बाकी ये कंपनी क्लेम करती है, बाकी डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से किस स्पीड में चलाते हैं। बाकी अगर इसके टॉप स्पीड की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 73 किलोमीटर पर आवर की। अगर वहीं इसके चार्जर की बात करें तो ऑन बोर्ड चार्जर देखने को मिल जाएगा।
तो गाइस बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की। तो भाई यहाँ पे एक स्विच देख रहे हैं ना, एक बार अगर हल्का सा दबाएंगे तो भाई ये ओपन हो गया, देख रहे हैं। यहाँ पे चार्जर वगैरह भी रख सकते हैं आराम से, भाई इतना स्पेस यहाँ पे दे दिया गया। बाकी इसको बंद करते हैं, अगर इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं जैसे दबाए रहे, तो भाई ये देखिए ये सीट जो है वो पूरी तरीके से खुल चुकी है। भाई इसको ओपन करते हैं, भाई यहाँ पे ना 21 लीटर का आप लोगों को स्पेस देखने को मिल जाएगा। चार्जिंग के लिए आप लोगों को यहाँ पे सॉकेट मिल जाएगा। भाई इसको करते हैं बंद, और भाई यहाँ पे LED भी लगी है, तो भाई पीछे का स्पेस जो है काफी ज्यादा सही है। स्पोर्ट्स हेलमेट या नॉर्मल हेलमेट्स होते हैं, आराम से आप लोग कैरी कर सकते हैं। तो गाइस बात करें इसको चार्ज कैसे करते हैं, तो भाई इसको चार्ज करने के ना बहुत सारे मतलब ऑप्शन है। जैसे आप घर पे कोई सॉकेट वगैरह है जहाँ पे अर्थिंग है, वहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। बाकी अगर जो ऐसी कोई अर्थिंग वाला सुविधा नहीं है, तो यहाँ पे कोई मॉइस्चर वगैरह लगा के, जैसे कोई कपड़ा होता है वहाँ पे मॉइस्चर लगा के इस स्टैंड के नीचे रख लिए, तो ऑटोमेटिक जो अर्थिंग है वो लग जाएगी। तो गाइस एक बार आप लोगों को इसका चार्जर दिखा देते हैं। तो भाई चार्जर ये रहा भाई, यहाँ पे निकल चुका है। भाई चार्जर खोल के आप लोगों को दिखा देते हैं। तो भाई चार्जिंग केबल कुछ ऐसा देखने का आप लोगों को मिल जाएगा। भाई चार्जर जो है इसमें 8 किलो वाट का देखने को मिल जाएगा। तो भाई अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करें, तो भाई इसमें 3.2 किलो वाट की बैटरी देखने को मिलेगी आप लोगों को। और भाई इसमें कलर ऑप्शन भी आते हैं, 3 कलर ऑप्शन के साथ ये गाड़ी आती है। सबसे पहला भाई हेजलनट, फिर आता है इंडिगो मेटालिक ब्लू जो कि ये है, फिर आता है ब्रुकलिन ब्लैक। भाई ब्रुकलिन ब्लैक देखेंगे उसका क्या ही कहना, वो अलग ही लगती है। और भाई इस गाड़ी में रिवर्स भी आता है, तो भाई काफी कुछ ज्यादा सुविधाएं आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी इस गाड़ी में। बाकी फाइनेंस भी इजी अवेलेबल है। भाई फ्रंट में लाइट जलने पे कुछ ऐसा लग रहा है, देख रहे हैं। तो गाइस यही कुछ था इस गाड़ी के बारे में आप लोगों को। आई होप आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई होगी। बाकी आप लोगों को कुछ जानकारी नहीं मिली हो वो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या है। बाकी यहाँ पे आप आएंगे, गाड़ी आप लोग चला के देखेंगे, एक बार जो यहाँ के मैनेजर से मिलेंगे, सारे इसके जो फंक्शंस वगैरह इनके बारे में जानेंगे, तो आप लोगों को काफी कुछ अच्छा लगेगा, क्योंकि इस गाड़ी में जो है काफी कुछ स्पेशल है। बाकी भाई चेतक का नाम ही काफी है, जो हम लोग पुराना चेतक देखते हैं, तो भाई वो उसका नाम ही काफी ज्यादा था। बाकी भाई चेतक की जो लेगेसी है उसको कायम रखा गया EV में भी। बाकी यही कुछ था इस गाड़ी में। आई होप सभी को अच्छा लगा होगा। भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भाई वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास जो चेतक लेना चाह रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।